वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते नहीं हैं। संभावना या कैन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर 100% पूछे जाने की ही संभावना है और इसीलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा जिनकी संभावना लगभग 100% के आसपास होगी कि भाई यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो BA फोर्थ सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं में होम साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है? होम साइंस में आपको आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आवास की बात जब हम करते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब मकान से या रहने के स्थान से लगाया जाता है। तो उसी रहने के स्थान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आदर्श मकान की अवधारणा, मतलब आदर्श मकान क्या है, किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है, आदर्श या उत्तम मकान के क्या कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक, धार्मिक, कई कार्य होते हैं। इसके अलावा अपना मकान होता है खुद का और कुछ किराए के मकान में लोग रहते हैं, तो अपने मकान और किराए के मकान में क्या अंतर होता है और अपने मकान के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होती है और क्या क्या किराए के मकान के लाभ और हानियां होती हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछते हैं। आइए इन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार सभी हमारे भाई बहन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे एक प्रकार से आज मोटिवेट किया है कि मैं एक प्रकार से आज मैंने सोचा था आज आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया, इतना ज़्यादा आप लोगों ने थोड़ा हौसला अफजाई किया जिसको कहते हैं, आप लोगों ने इतना ज़्यादा विश किया मुझे, इतना ज़्यादा आप लोगों ने एक प्रकार से मोटिवेशन दिया मुझे। आज मेरा जन्मदिवस है और आप लोगों ने उसको एक प्रकार से बहुत ही अच्छा बना दिया। आपको बता दूं कि आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट जब आए तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से खुशी हुई। तो इतने लोगों का मैं आप सभी लोगों का तो एक प्रकार से अलग अलग मैं शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकता ना धन्यवाद दे सकता हूँ, चूँकि बड़ा लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए कि मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया और मैं आप सभी को धन्यवाद हृदय की अंतरतम गहराइयों से देने का प्रयास करता हूं। और जो कुछ भी त्रुटियां मुझसे होती हैं किसी भी मामलों को लेकर के, आप लोग उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा और मैं लगातार आपके साथ बना रहता हूं और इसी प्रकार से बना रहूँगा। बस आप लोगों का साथ इसी प्रकार से मिलता रहे, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि मैं आपके समक्ष ना आ पाऊँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, बस आपका मुझे साथ चाहिए। और जिस दिन आप लोगों का साथ ऐसे मिलता रहेगा, जिस दिन क्या लगभग एक प्रकार से जब आप लोगों का मिलता ही रहा है अभी तक और मैं इसीलिए लगातार आपके साथ बना रहता हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि भाई जो है सर जी होम साइंस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, होम साइंस के लिखित क्वेश्चंस के बारे में बताएं, तो मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए 7 जुलाई यानी कि आज के दिन हमारा बर्थडे था, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः धन्यवाद। चलते हैं, आज हम फिर से प्रारंभ करते हैं एक प्रकार से इस क्लास को फिर से दोबारा से, मतलब कि अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए हो गया, ब्रेक क्या एक प्रकार से मैं आपको आज के कमेंट्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहा था, मैंने सोचा कि भाई आज बता देंगे, लेकिन चलिए अब मैं प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। उत्तम व आदर्श मकान की अवधारणा क्या है? घर के सुरक्षात्मक, आर्थिक और सामाजिक कार्य लिखिए। घर का सुरक्षात्मक कार्य क्या है, आर्थिक कार्य क्या है और सामाजिक कार्य क्या होते हैं एक घर का, और एक उत्तम या एक आदर्श जो घर या मकान होता है उसकी क्या अवधारणा होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अवधारणा मतलब सीधा सा होता है कॉन्सेप्ट। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि भोजन व घर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आदमी की क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रोटी। रोटी माने क्या होता है, भोजन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट भोजन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आवास, आवास यानी घर, ठीक है। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रोटी, दूसरी होती है कपड़ा, ठीक है, दूसरी क्या होती है, कपड़ा होती है,
पहली होती है रोटी, दूसरी कपड़ा है, मतलब कि पहले आप खाने को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में अपने बदन को ढकने का एक प्रकार से वस्त्र ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में आप रहने का आवास ढूंढेंगे ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। तो ये तीन जो है मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन की चरम मूलभूत आवश्यकताएं बोल सकते हैं, चरम नहीं बोल सकते, मूलभूत आवश्यकताएं बोल सकते हैं, क्योंकि चरम होता है एक प्रकार से लास्ट टाइप का, ठीक है, या एक प्रकार से हाईएस्ट। तो आप बताएं मूल आवश्यकताएं जो होती हैं रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन की होती हैं, और शुरुआत में जब मनुष्य हुआ था सबसे पहले उसको भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, फिर उसके बाद वस्त्र की, उसके बाद में फिर आवास की। तो भोजन और घर हर प्राणी की मुख्य आवश्यकता है। अपने को प्राकृतिक प्रकोपों व हानिकारक जीव जंतुओं से बचाने के लिए, प्रजनन व शिशु पालन के लिए, बच्चों के पालन के लिए, पशु पक्षी गुफा बिल घरौंदों व घोंसलों आदि में रहते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की मैं बात तो कर ही रहा था, पशु पक्षी भी एक प्रकार से अपने आप को किसी आवास में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे पक्षियाँ घोंसला बनाती हैं, जानवर लोग एक प्रकार से गुफा बनाते हैं, सर्प वगैरह बिल में रहते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग जीव जो होते हैं अपने लिए घर का एक प्रकार से मतलब आवास इकट्ठा करते हैं। चींटियाँ जो होती हैं वो भी आप देखते होंगे। तो हर एक पशु पक्षी जानवर जो होते हैं अपने अपने हिसाब से घरों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मानव भी आदिकाल में गुफाओं में रहा करता था। जैसे जैसे जीवन सरल से जटिल होता गया, पहले क्या थी आवश्यकता, बस केवल खाना था और बस उसके बाद में रहना था, बस एक ही काम था और जो है मनुष्य का। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जटिलता आती गई। जटिलता का मतलब होता है और तमाम चीज़ें, जैसे कपड़े की व्यवस्था करनी है, मकान की व्यवस्था करनी है, खाने की तो व्यवस्था करनी है, उसमें उत्तम खाने की व्यवस्था करनी है। और आज समाज इतना जटिल हो गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन उसको पूर्ति नहीं होने को है। हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई अभी भी कम है, अभी भी कम है, मतलब कि उसको संतोष नहीं है किसी भी एक प्रकार से स्थिति में, ठीक है। तो जैसे जैसे जीवन सरल से जटिल होता गया है वैसे ही वह गुफा से झोपड़ी में रहना प्रारंभ किया मानव ने। पहले गुफा में रहता था मनुष्य, उसके बाद में झोपड़ी में रहना प्रारंभ किया, फिर मकान में, और अब गगनचुंबी इमारतों को बना रहा है मनुष्य। उसमें पहले घर में आप देखते, पहले लोग पेड़ों के नीचे सोते थे, हवा लगती थी, आज क्या है पंखा चला लेते हैं, फिर हवा के बाद में फिर बेना बनाया, हैंड फैन जिसको कहते हैं, हैंड फैन के बाद में फिर पंखा बना, पंखे के बाद में फिर कूलर बना, कूलर के बाद में फिर एसी बन गई। आज आप देख रहे हैं एसी हर घर में लग रहे हैं और ठंडक महसूस होती है एसी लगने से, तो वातानुकूलित होती, तो गगनचुंबी इमारतें बनने लगी हैं। तो मनुष्य का जीवन जटिल होता जा रहा है। घर एक ऐसा स्थल होता है जहाँ परिवार के सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक भाग व्यतीत करते हैं। परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति घर में ही हो जाती है। आम भाषा में घर व मकान जो होता है एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में इन दोनों का अर्थ भिन्न है, मकान का भी अर्थ भिन्न है और घर का अर्थ भी अलग होता है। मकान जो होता है वो केवल भौतिक रचना के लिए प्रयोग होता है। भौतिक रचना मतलब जैसे कोई मकान बना हुआ है उसमें मनुष्य रहता है या नहीं रहता है, वो होता है मकान। जैसे मकान बना करके बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं तो वो हो गया मकान, केवल भौतिक रचना के लिए, कोई दुकान वगैरह है वहाँ पर, तो वो भौतिक रचना के लिए मकान होता है। ईंट पत्थर चूने से बना हुआ भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ मकान जो होता है वो मकान कहा जाता है, जिसमें मनुष्य नहीं रहते। इसके साथ ही साथ व्यक्ति का कोई संवेगात्मक संबंध उसके साथ नहीं होता है, कि कोई इमोशनल संबंध जब तक एक प्रकार से ईंट और पत्थर के उसमें घर में नहीं, मतलब मकान में नहीं होता तब तक वो घर नहीं कहलाता। मतलब मकान केवल ईंट पत्थर की एक प्रकार से एक वस्तु कह सकते हो आप, जबकि जो घर होता है वो मानवीय भावात्मक मतलब मानवीय और भावात्मक रिश्तों से या भावनाओं से या संबंधों पर आधारित होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। घर मतलब घर में मनुष्य रहते हैं और परिवार रहता है, आपस में संबंध होते हैं, एक दूसरे के मधुरम संबंध होते हैं, ठीक है। जब मकान में परिवार के सदस्य आपसी प्रेम भाव व मेल जोल से रहते हैं तो वह मकान घर कहलाने लगता है, ठीक है। घर में सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त होने के साथ साथ मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियां भी उपलब्ध हो पाती हैं। एक बच्चा घर में रहने के साथ ही साथ वो समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है, जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसको सीख पाता है। अगर बच्चा घर में ना रहे तो चलना उठना बैठना बोलना ये सब नहीं सीख पाएगा, यानी उसका समाजीकरण नहीं हो पाएगा और वो बच्चा पशु के समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए घर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घर क्या है,
घर में जिसमें मनुष्य रहते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ वस्तु जिसमें मनुष्य रहते हैं वो होता है घर। भावात्मक संबंध होते हैं, प्रेम के रिश्ते होते हैं, उसको घर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मकान उसको कहा जाता है जो एक प्रकार से ईंट और पत्थर का केवल बना है, उसमें मनुष्य नहीं रहता, केवल उसमें कोई भावात्मक संबंध नहीं जुड़ा हुआ होता है उससे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं उत्तम व आदर्श मकान किसे कहते हैं। मकान केवल छत व चार दीवारी जो मनुष्य की गर्मी सर्दी और मौसम के थपेड़ों से रक्षा करे, रात को विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करे, उत्तम व यानी आदर्श या आइडियल या एक प्रकार से उत्तम यानी अव्वल मकान नहीं कहलाता है जो केवल इतना ही दे, मतलब कि जो एक प्रकार से रात को विश्राम दे, सुरक्षित स्थान प्रदान करे और सर्दी और मौसम के जो थपेड़े हैं या जो गर्मी है या धूप है उससे आपकी रक्षा करे, मात्र इतना करने को मकान हम मकान मतलब उसको हम आदर्श मकान या उत्तम मकान नहीं कह सकते, अपितु वह स्थान जहाँ पर मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुविधापूर्वक हो जाती है उसको आदर्श मकान कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है भैया, मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुविधापूर्वक हो जाती है उस स्थान को हम मकान कहते हैं। और कैसा मकान? आदर्श मकान, आइडियल हाउस कहते हैं उसको, ठीक है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जीवन बहुत ही जटिल के साथ साथ सभ्य और सुसंस्कृत भी हो गया है। हर परिवार की आवश्यकताएं पहले से बढ़ गई हैं, जबकि परिवार का आकार संयुक्त से विघटित होकर के एकाकी परिवार हो गया है। पहले परिवार बड़े होते थे गांव में, जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ है शहरों में एकाकी परिवार ज़्यादा हो गए हैं। इसके साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी दुर्बल होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में परिवार के स्वास्थ्य, सुख और शांति की समस्या सुलझ सकती है यदि वह सुंदर, सुदृढ़ और आरामदेह व सुनियोजित मकान, जो सुंदर और सुदृढ़ होने के साथ साथ कामकाज, नहाने धोने, पढ़ाई, मनोरंजन, विश्राम, खाने पीने, मिलने जुलने, बच्चों के खेलने आदि के स्थानों की सुविधा प्रदान करता है, उसमें अगर कोई बच्चा रहता तो वो एक प्रकार से उसी को आदर्श मकान या उत्तम मकान कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें हैं जो कि आदर्श मकान की विशेषताओं को बताती हैं। तो आदर्श मकान या उत्तम मकान की क्या क्या विशेषताएँ हैं उनको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम समझ लेते हैं। पहली विशेषता ये है कि स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल बना हो। पहली बात, स्वास्थ्य के नियम जो होते हैं उन स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल अगर मकान बना है तो वो उत्तम मकान कहलाएगा। दूसरी बात, परिवार की दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्थान भी हो और सुविधाएं भी प्रदान करता हो, उस स्थान को या उस मकान को हम उत्तम मकान की श्रेणी में रखते हैं। तीसरी विशेषता उत्तम मकान की या आदर्श मकान की यह होती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत कम कमा रहे हैं और बहुत हाई फाई मकान बना लिया, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं बहुत कम छोटा मकान बना लिया, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से बनाएं एवरेज मकान, यानी कि पारिवारिक जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसके अनुकूल आपका घर होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार और आर्थिक स्थिति सुधरने पर बढ़ाया भी जा सके। ऐसा एक प्रकार से जो घर होता है या मकान होता है उसको उत्तम घर या उत्तम मकान या आदर्श मकान कहा जाता है। चौथी विशेषता, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व को व्यक्त करता हो। ऐसा कि घर को देख करके ही पता चल जाए कि भाई इसमें व्यक्ति जो रहते हैं उनका चरित्र क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। तो घर ऐसा होना चाहिए जो कि ये बयां करे कि भाई घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके मापदंड कैसे हैं, उनके नियम कायदे कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व चरित्र ये सब कैसा है, ये घर ही बता दे, ऐसा घर उत्तम घर कहलाता है। तो परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व को व्यक्त करे। पांचवी विशेषता, सुंदर और सुदृढ़ हो तथा सदस्यों को इसमें रहने पर भी एकांतता का अनुभव भी होता हो, ऐसे घर को हम उत्तम घर कहेंगे। इसके अलावा छठी विशेषता ये है कि परिवार के सभी सदस्यों को इसमें रहने से सुरक्षा का अनुभव हो तो वो घर कहलाएगा आपका आदर्श घर या उत्तम घर। तो ये कुल मिलाकर के छह विशेषताएं, अगर आपसे विशेषताओं को पूछेगा लघु उत्तरीय में खास करके आपसे पूछ सकता है कि उत्तम या आदर्श मकान की विशेषताएं बताइए, तो आप ये छह विशेषताएं लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं घर के कार्य, घर के कौन कौन से कार्य होते हैं उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अच्छे तरीके से समझेंगे हम कि घर के कितने कार्य होते हैं और कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। घर के कार्य, घर जो होता है परिवार के लिए केवल रहने का स्थान ना होकर के कुछ अधिक होता है। व्यक्ति इसमें जन्म लेकर के अपने जीवन काल का अधिकतम समय इसी में व्यतीत करता है और उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास इसी में होता है, मतलब घर में ही होता है।
और इसी में रह करके व्यक्ति सामाजिक गुण प्राप्त करता है और संपूर्ण प्राणी बनता है। चूँकि मनुष्य जो होता है जब जन्म लेता है तो वो एक प्रकार से सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जब उसको समाज का वर्धस्त प्राप्त होता है तब वह एक सामाजिक प्राणी बनता है कोई भी मनुष्य। तो मनुष्य एक प्रकार से जब तक घर का उसको सहारा नहीं मिलता उत्तम घर का, तब तक वह मनुष्य हो या जानवर हो, एक प्रकार से उसको बुद्धि या उसके अंदर एक प्रकार से विचारों की जो सुदृढ़ता होती है, विचारों की एक प्रकार से जो उत्तमतियाँ होती है, मतलब उत्तम विचार जो होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। कहीं ना कहीं पे समाज में व्यक्ति नहीं रहेगा, घर में नहीं रहेगा, तब तक सामाजिक गुण प्राप्त नहीं कर सकता और एक संपूर्ण प्राणी बनता है वो घर में रहने के बावजूद, मतलब घर में रहता है तभी। मनुष्य हो या जानवर सभी दिन भर परिश्रम करके शाम को अपने घरों को लौटते हैं और विश्राम करते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन करके अपनी थकान को मिटाते हैं। घर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है और उसके लिए निम्न कार्य सुरक्षा, मतलब कि निम्न कार्य करता है घर। कौन कौन से कार्य? सबसे पहला सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य में कौन कौन सा कार्य करता है घर? भाई देखिए, आवास की सुविधा देता है। सबसे पहला कार्य क्या है घर का? कि घर जो होता है वो आवास की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? घर जो होता है वो आवास की सुविधा प्रदान करता है। यानी आदिकाल से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर के मनुष्य जब गुफाओं में रहा करता था तो अपने से बड़े जानवरों और मौसम के थपेड़ों से अपने तथा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए गुफा घर में रहा करता था। घर में मनुष्यों को आवास की सुविधा होती है। वैज्ञानिकी व आधुनिक युग में बाह्य वातावरण प्रदूषित व शोरगुल से भरा होता है। मनुष्य अपने घर में बाहर के प्रदूषण से अपनी रक्षा करता है और अपनी इच्छा अनुसार सजन करता है और इस हिसाब से आवास की सुविधा जो होता है आपको घर देता है। तो एक सुरक्षात्मक कार्य, आवास आपकी सुरक्षा करता है बड़े जानवरों से या मौसम के थपेड़ों से, धूप से, गर्मी से, सभी चीज़ों से। दूसरी बात, परिवारजनों की सुरक्षा, शांति, विश्राम, निजीपन की सुविधा देना घर का कार्य होता है। कि आप एक कमरे में बंद करके कमरा लेटे हैं, अब आप कमरे में अपने लेटे हैं निश्चिंत होकर के, आप एकदम से प्राइवेसी में लेटे हुए हैं, तो एक प्राइवेसी प्रदान करता है घर भी आपको। घर में परिवार का हर सदस्य स्वतंत्र रूप से रहता है, वह घर में अपने आप को ना केवल शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करता है। घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं और इसीलिए एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांति और विश्राम को पूरी महत्ता भी देते हैं और यही कारण है एक प्रकार से घर आपको सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा भी। और तीसरा जो सुरक्षा होता है सुरक्षात्मक रूप से, घर में चूँकि परिवार के हर उम्र के सदस्य के लोग रहते हैं, हर आयु के लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। बच्चे बूढ़ों को घर पूरी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने बल पे नहीं हो पाते, बूढ़े भी हो जाते तो उनको भी देखना पड़ता, देखभाल करनी पड़ती है। तो परिवार के सदस्य जो होते हैं वो एक प्रकार से इनकी देखभाल करते हैं, यानी बूढ़े और बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होते हैं। अविवाहित, बीमार, वृद्ध, विधुर इत्यादि को घर में पूरा सम्मान और सुरक्षा प्रदान किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। तो इस प्रकार से घर जो होता है वो इन सब की भी सुरक्षा करता है। तो इस हिसाब से सुरक्षात्मक कार्य ये घर के हो गए। अगला कार्य जो है घर का वो है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य की बात की, यानी इकोनॉमिकल फंक्शंस जो होते हैं हाउस के या होम के, उसको जानते हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा जैसे आपको पंखा खरीदना है, आपको टीवी खरीदना है, आपको कुर्सी खरीदनी है, आपको एसी लगवाना है, आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है या साइकिल खरीदनी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन लेना है, तो इन सब के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और यही सब है भौतिक सुख सुविधाएं, ठीक है। तो भौतिक आवश्यकताएं जितनी हैं आपकी उसको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य आय की वृद्धि के लिए अपना सहयोग देता है, हर व्यक्ति कमाने का प्रयास करता है। घर जो होता है मनुष्य की ना केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु वह भौतिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है घर, जिनसे जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों के एक साथ इकट्ठा रहने से धन की बचत भी होती है। आजकल धनोपार्जन के लिए स्त्रियां भी नौकरी अथवा कुटीर उद्योग आदि अपनाने लगी हैं ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो इस प्रकार से ये आर्थिक कार्य होते हैं जो कि घर में रहने से ही हो पाते, चूँकि अगर स्त्रियाँ भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं और घर में और भी कई लोग काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सभी कमाते हैं, तो इस प्रकार से घर अच्छे तरीके से चलता है। तो ये हो गए आर्थिक कार्य घर के। सामाजिक कार्य की अगर बात की जाए घर का,
तो परिवार चूंकि समाज की सबसे छोटी इकाई कही जाती है और बिना परिवार के समाज पे कंट्रोल या जो सामाजिक नियंत्रण होता है परिवार के द्वारा ही कंट्रोल में आते हैं बच्चे, खास करके समाज में नियंत्रण करना हो, चूंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है विभिन्न परिवार मिल करके। तो कहीं ना कहीं परिवार जो होता है अपने बच्चों को सामाजिककरण की शिक्षा देता है, परिवार अपने बच्चों को सामाजिक मापदंडों नियमों के बारे में बताता है और यहीं पर मनुष्य अपने रीति रिवाजों को परंपराओं को सीखता है परिवार में ही। अच्छी बुरी सभी आदतें घर से ही सीखी जाती हैं, घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, ये सब भी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य घर से सीखी हुई यह आदतें वह परंपराएं धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते रहते हैं और घर में ही सामाजिक गुण, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति आदि का नागरिक गुणों का विकास जो होता, मतलब आदि नागरिक गुणों का विकास जो होता है वो सब घर में ही मिल जाता है। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा होती तो बच्चा एक प्रकार से बिगड़ेगा, वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर प्रेम आपके उसके घर में मिलेगा तो प्रेम करने वाला बच्चा होगा। तो इस प्रकार से जो देखेगा बच्चा वही सीखेगा को मिला करके। तो सामाजिक कार्य की दृष्टि से या सामाजिक मापदंडों को सिखाने के लिए सामाजिकरण की एक प्रकार से सीढ़ी का जो पहला डंडा है वो परिवार ही कहा जाता है। तो परिवार के द्वारा ही बच्चों का सामाजिकरण भी होता है। तो ये सब सामाजिक कार्य हैं परिवार के, ठीक है, एक उत्तम परिवार के। अब देखते हैं हम दूसरा जो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में और पूछा जा सकता है, वो प्रश्न है अपने और किराए के मकान के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। मतलब अपना मकान एक खुद का होता है कि भाई खुद अपने पैसा वैसा खर्च करके बनवाया है, एक तो ये मकान होता है, एक होता है कि आप कहीं शहर में रहते हैं और आप किराए के मकान में रहते, किसी दूसरे का मकान है, किसी दूसरे ने उसको बनवाया है, ठीक है, और आप उस मकान में रहते, बनवाया किसी दूसरे ने लेकिन आप पैसा देते, किराया देते हैं और आप उसमें रहते हैं, ठीक है। तो मकान ये दो प्रकार के आपके हो गए, एक तो किराए का मकान और एक अपना खुद का मकान। तो अपने और किराए के मकान के बारे में जान लेते हैं, इन दोनों के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं दोनों को समझेंगे। तो अपने और किराए के मकान में कौन सा अधिक लाभदायक है यह तो निर्णय लेना बहुत ही कठिन काम है। मनोवैज्ञानिक रूप से अपना मकान बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इससे व्यक्ति को मानसिक संतोष और स्वतंत्रता मिलती है। अपने घर में आप जो कर पाएंगे वो किराए के मकान में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो मानसिक संतोष और स्वतंत्रता अपने घर में मिलती है वो किराए के मकान में आपको नहीं मिल पाती है। इसके ठीक विपरीत जो लोग नौकरी पेशावर होते हैं और समय समय पर स्थानांतरित होते हैं, उनको समय समय पर स्थान बदलना पड़ता है, उनके लिए किराए का मकान लेना ही ठीक होता है। उनके लिए अगर वो अपना खुद का मकान बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनको मकान लगातार बदलना पड़ेगा और इस दृष्टि से आर्थिक कमज़ोर हो जाएंगे वो और बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। अतः या तो हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होता है। किराए के या स्वयं के मकान होने से लाभ और हानियाँ तो होती ही हैं, किंतु यह तो पात्र व स्थान पर निर्भर करता है कि उसको कैसा मकान लेना चाहिए और उसे दोनों में से क्या चाहिए। ये बात उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशंस और उसका स्थान और उसका पात्र, एक मतलब वो कैसा है, किस तरीके की भूमिका निभा रहा है समाज में, वो चीज़ों को जानने के बाद में ही हम उसके लिए मकान की व्यवस्था कर पाएंगे कि भाई किस व्यक्ति के लिए अपने मकान की आवश्यकता और किस व्यक्ति के लिए किराए के मकान की आवश्यकता। जो सरकारी नौकरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं शहर में जाकर के, तो किराए का मकान ही लेकर के अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उनको लगातार एक ही स्थान पर नहीं रहना होता है, घर को छोड़ना पड़ता है। और इसी दृष्टि से अगर आप देखें, अगर गांव में रहते तो गांव के लिए अपना मकान बहुत ज़रूरी होता है। अगर गांव में आपका अपना मकान नहीं है, अच्छा गांव में तो अपना मकान होता ही है सभी का, गांव में कोई व्यक्ति किराए पर नहीं रहता, शहरों में ही रहते हैं क्योंकि नौकरी का मसला होता है, इस कारण से अलग से लोग जाते हैं अलग अलग स्थानों से। देखें, सबसे पहले हम अपने मकान के लाभ को जानेंगे, फिर अपने मकान जो अपना मकान होता है उसकी हानियों को समझेंगे, ठीक है, फिर हम जो किराए का मकान होता है उसके लाभ को समझेंगे और उसकी हानियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार अपना मकान जो होता है खुद का, उसके क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ अपने मकान बनवाने का ये होता है कि अपना मकान प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है कि भाई मकान बना है, घर बना है, तो एक प्रतिष्ठा होती है कि भाई हाँ फलाने का घर है ये। यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर मकान को गिरवी रख करके आप कर्जा भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा लाभ ये होता है अपने मकान का
ये अपने मकान को परिवार आवश्यकता व रुचि के अनुसार बना सकता है। मकान की सजावट के लिए अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बढ़िया और कीमती व अस्थाई सामान खरीदा जा सकता है। घर के आगे पीछे जगह में बाग बगीचे अपनी रुचि के अनुसार उन्नत किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ताकि जो है बच्चे आपके खेले कूदे, मतलब अपने हिसाब से अपने घर में अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सजावट या रंग कैसा रंगवाना है, फर्श लगवानी है कैसी, ठीक है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक ये लाभ होता है। तीसरा अपने मकान का लाभ ये होता है कि परिवार की आवश्यकता बढ़ने पर मकान का विस्तार भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका अपना मकान है, दूसरे का मकान है तो आप नहीं कर पाओगे। चौथा लाभ ये है कि एक ही स्थान पर अस्थाई रूप से रहने से आस पड़ोस वालों के साथ मित्रता और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं, यह भी एक लाभ ही होता है अस्थाई मकान का, मतलब अपने मकान का या जो अपना मकान होता है। पांचवा अपने मकान होने का ये लाभ है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है और मकान मालिक की बेकार की नोक झोंक और दखल अंदाजी से बचा जा सकता है। मकान मालिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा आंटियां जो होती हैं परेशान करती रहती है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो उससे आप छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है। छठा लाभ आपको ये होगा कि अपने मकान की कीमत बढ़ जाने पर आर्थिक लाभ होता है। अगर मकान ना भी बेचना हो तो कीमत बढ़ने पर मानसिक संतुष्टि मिलती कि भाई जब हमने मकान बनवाया था तो ये 2 लाख का था, आज ये 10 लाख का हो गया है, तो एक मानसिक संतुष्टि मिलती कि चलो हम फायदे में चल रहे हैं, ठीक है। सातवां लाभ ये होता है कि कहीं स्थानांतरण हो जाने पर अतिरिक्त सामान घर में छोड़ा जा सकता है। जो मलबा है या जो अतिरिक्त सामान है, जो सामान आप नहीं यूज के लिए है या यूज के लिए भी है लेकिन आपको वहाँ पर नहीं यूज करना है जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ करके जा सकते हैं घर में ताला लगा करके, तो ये होता है अपने मकान का एक अगला लाभ, ठीक है, ये हो गया सात वाला। आठवां लाभ ये होता है अपने मकान का कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर मकान का कुछ भाग आप किराए पर भी दे सकते हैं, अगर आपका खुद का मकान है तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, नौकरी आपके पास नहीं, तो अपना मकान बनवा करके अगर आप किराए पर दे देंगे तो आप एक प्रकार से कुछ रुपये कमा सकते हैं महीने का। नौवां लाभ ये है कि अपने मकान में इच्छा और सुविधा के अनुसार परिवर्तन आप कर सकते हैं। आपका मन हुआ कि यहाँ पर आपको झाल लटकानी है या यहाँ पर आपको एक प्रकार से बल्ब टांगना है तो आप टांग सकते हो, उसमें कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इसके अलावा दसवां लाभ ये है कि अपने मकान में अपनत्व की भावना की संतुष्टि होती है, ठीक है, डर डर करके नहीं रहना होता है कि भाई अभी कह दे कि भाई हमारा मकान छोड़ो अगर कोई दिक्कत हो, अपने घर में रह करके स्वतंत्र होते हैं पूर्ण रूप से। तो ये अपने मकान के कुछ लाभ हैं, जो 10 लाभ मैंने आपको बताए इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर के लिखित टाइप की परीक्षाओं में आते लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी में ये प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अपने मकान की कुछ हानियाँ भी होती हैं उसको समझ लेते हैं। अपने मकान की हानि क्या क्या होती है? पहली हानि अपना मकान बनवाने की ये होती है कि मकान बनाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता पड़ती है इकट्ठा, और धन जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं हो पाती हैं, और कई बार ऋण भी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है घर बनवाने के लिए, जिसे बाद में चुकाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो अपने घर बनवाने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए या बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपके पास खूब पैसा होना चाहिए। आप जितना कमाए धमाए रहेंगे वो सब खर्च हो जाएगा, घर बनवाने में बहुत पैसा लगता है। तो पहला नुकसान ये होता है, पहला हानि ये है अपने घर की। दूसरा हानि ये है कि मकान के टूट फूट की मरम्मत के अतिरिक्त सरकार के द्वारा लगाए गए गृह कर और जल विद्युत कर देने की जिम्मेदारी मकान मालिक की ही होती है, और इतना धन जो है व्यय करके मकान बनाने के बाद भी व्यक्ति आराम से नहीं रह पाता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार से एक जिम्मेदारी सी हो जाती है कि आपको गृह कर वगैरह देना है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार से आपको हानि, एक हानि ही है एक प्रकार से अपने घर बनवाने की। इसके अलावा तीसरी हानि है अपने घर की, अपने मकान होने के कारण व्यक्ति उसी क्षेत्र के साथ बन जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति में अगर कहीं और जाने से सुधार आता भी है तो वह भी अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करता है, और आस पड़ोस ना भी हो तो वह मजबूरन अपने मकान में ही रहता है। इसलिए वो एक प्रकार, जैसे कि मेरी ही बात कर लीजिए कि मैं जैसे अपने घर में ही रहना पसंद करता हूँ, मैं बाहर जाता भी हूँ तो कुछ समय के लिए जाता हूँ फिर तुरंत अपने घर पर चलाता हूँ, घर पर रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बार बार मैं घर पे लौट आता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं आपके लिए व्यवस्थित तरीके से, या जिस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए या जिस तरीके से और हमको आगे बढ़ना चाहिए, अभी मैं बाहर रहता कहीं पर तो अभी और डेवलप कर चुका होता अपने इस जो है प्लेटफॉर्म को। लेकिन मैं चूंकि एक प्रकार से मैं यही सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों से ही मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही बना रहूँगा। ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, बस ऐसे मैं आपको पढ़ाता रहूँ, आप लोग पढ़ते रहें बस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी वो पढ़ाओ ये पढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैंने चूँकि बीए की वजह से मुझे ख्याति प्राप्त हुई है और बीए वालों ने ही मुझे फेमस किया है, तो मैं बीए वालों को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो मैं लगातार आपके साथ इसीलिए जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे भले ही आर्थिक नुकसान होता हो, लेकिन वो कोई बात नहीं, मुझे भले ही पैसे कम मिलते हों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे कुछ बनाया है। मैं कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा, जो एक प्रकार से अपने मकान बनवाने का जो एक प्रकार से हानि होती है, घाटा होता है, ये होता है कि कीमतें घटने पर व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ता है, कि अगर मान लेते मकान की कीमत या ज़मीन की कीमत घट जाती तो फिर दिक्कत की बात है, हालांकि ऐसा होता नहीं। पांचवा हानि ये कि मकान बनवाने के लिए सामान जुटाने व बनवाते समय देखभाल करने के लिए कठिन परिश्रम और काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है घर बनवाने के लिए। घर बनवाना एक प्रकार सबसे कठिन काम इसलिए होता है क्योंकि जब मिस्त्री और मजदूर लगे रहते हैं तो उनके साथ साथ आपको भी लगा रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते मिस्त्री लगा दियो तो ईटा गारा देने के लिए, मान लेते वो ईटा जोड़ रहे हैं मिस्त्री बैठ करके, तो उसके लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है। हमारा घर बन रहा था तो हम चार भाई हैं और चारों भाई मिल करके हम लोग कोई ईटा देते थे, कोई मसाला बनाते थे, इस प्रकार से पूरा घर जो है लगभग 5 कमरे का घर, बरामदा और किचन बाथरूम ये सब बन गया, ठीक है, सब लेटरिंग मंदिर सब में आप देखिएगा। तो हम तीन चार चार भाई हम हैं और चारों भाई बहुत ही एक प्रकार से मेहनती थे। हम लोगों के यहाँ पर गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ अगर आप पहले नहीं मतलब एक साल हुआ है मैं नहीं काटा हूँ, चूँकि गेहूँ हूँ काटने मतलब एक प्रकार से, बाकी मैं टाइम नहीं मिल पाया था आपकी बार, बाकी मैं अगली बार जो था या अगली बार नहीं पिछले लगभग 22-22 साल तक जो है, 22 साल क्या लगभग आप देखते 15 साल तक लगभग आप देखिएगा, मुझे जहाँ तक जानकारी मैं छोटा था तब से गेहूँ काटता हूँ। हम चारों पांचों मतलब कि चार भाई हमारे चाचा पापा बाबा सब चार और तीन सात लोग जो है मिल करके गेहूँ अपना काट देते थे। 12-12 बीघे गेहूँ है हमारे पास, मतलब कि खेत था, मतलब खेत है अभी, 12 बीघे गेहूँ बोया जाता था तो उसको एक तरफ से लगभग 5-6 दिनों में हम लोग काट देते थे, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है गेहूँ काटने में, तो फिर एक प्रकार से ये सब चीज़ें होती, तो कठिन परिश्रम घर बनवाने में भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका अपने मकान के बारे में कुछ बातें। अब हम किराए के मकान के कुछ लाभ देख लेते हैं कि भाई किराए के मकान का क्या लाभ है और क्या हानि है। किराए के मकान के लाभ, सबसे पहला लाभ होता है किराए का मकान का कि किराए के मकान के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, एक पैसा जुटाने की अपेक्षा प्रतिमाह किराया देना बहुत आसान होता है। अगर आप इकट्ठा पैसा जुटाने के लिए असमर्थ है तो किराए के मकान में आप रह सकते हैं, ठीक है, तो ये होता। दूसरा, किराए का मकान आर्थिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार महंगा और सस्ता और सुविधाजनक लिया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप अच्छा मकान लेंगे, आप कम कमा रहे हैं तो आप एक प्रकार से थोड़ा कम किराए वाला मकान ले लेंगे, तो इस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा आपको उचित लगे आप ले सकते हैं, ये लाभ होता है। तीसरा लाभ ये होता है किराए के मकान में रहने का कि गृह कर यानी कि जो होम कर होता है, होम लोन मतलब कि होम जो टैक्स होता है वो, और भूमि का कर, जल का कर, विद्युत का कर, ये सब आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई सिरदर्दी नहीं होती, मकान मालिक की होती है ये सब सिरदर्दी, तो आप इससे भी टेंशन मुक्त रहेंगे। किराए के मकान में रहने का एक लाभ ये भी है कि मकान की देखभाल मरम्मत इन सब का उत्तरदायित्व मकान मालिक का होता है, आपके सर से जिम्मेदारी हटी होती है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होता। पांचवा लाभ ये होता है किराए के मकान में रहने का कि मकान के मूल्य कम हो जाने पर किराएदार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है, मकान मालिक को हानि और लाभ होता है, मकान में रहने वाले लोगों को नहीं मतलब जो किराएदार है उनको नहीं होता है। छठा लाभ ये होता है किराए के मकान में रहने का कि किराए के मकान को इच्छा के अनुसार आप बदल सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आस पड़ोस अच्छा ना हो, कुछ सुविधाएं वहां उपलब्ध ना हो, तो आप दूसरे मकान में रह सकते हैं, मतलब अपना मकान आप बदल सकते हैं किराए के मकान का, ये भी एक लाभ ही है, ठीक है। तो ये कई लाभ हैं जो कि मैंने आपको बताए।
अब किराए के मकान के कुछ हानियों को आप जान लीजिए, किराए के मकान में रहने के क्या क्या घाटे होते हैं, क्या क्या हानि होती है, ठीक है? समझने का प्रयास करें सभी लोग। देखें, पहली हानि होती किराए के मकान में रहने की, कि किराए के मकान में व्यक्ति कई बार मकान की लागत से कहीं अधिक किराया मकान मालिक को दे देते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप 10-15 साल एक ही मकान में रहते रहते आप लगातार किराया देते, मान लेते हैं कि 2,000 रुपये महीने, या लगभग अगर 2 BHK का आप लेते हैं मकान तो लगभग आपका 6,000 रुपये कम से कम पड़ेगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 2 BHK का मकान कम से कम की बात कर रहा हूँ, 6,000 रुपये। बाकी 10,000, 8,000, 12,000 तक ऐसे मिलते हैं। मैं 6,000 की बात कर रहा हूँ कि 6,000 रुपये आपका 2 BHK का मकान एक महीने का है। तो आप अगर 10 साल रहते हैं तो कितना हो जाएगा, एक महीने का जब एक प्रकार से 6,000 हो गया तो 12 महीने कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 72, ठीक है? यानी कि ये हो जाएगा आपका 72,000 रुपये आप एक प्रकार से एक साल में दे रहे हैं। अब 72,000 एक साल में अगर आप दे रहे हैं तो आप मान लेते हैं 10 साल अगर आप रहते हैं तो कितना देंगे भाई, तो कितना देंगे, 72,000 वो और 10 और आप गुणा कर दो उसमें, ठीक है? 72,000 रुपये वो और 10 से गुणा कर दो तो कितना, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 7,20,000 रुपये आपके हो गए। अब 7,20,000 रुपये अगर आप 7 साल में कमा करके इकट्ठा रखते तो आप घर एक बनवा सकते थे, उतना उससे बड़ा घर आप 7 लाख में, ठीक है? तो आप 10 सालों में आप उससे ज़्यादा रुपये बे कर देते हैं, ठीक है? तो किराए के मकान में सबसे बड़ा घाटा यही होता है कि किराए के मकान में व्यक्ति कई बार मकान की लागत से कहीं अधिक किराया मकान मालिक को दे देता है। दूसरा हानि ये होता है, घाटा होता है किराए के मकान में रहने का, कि कभी कभी अपने पद और रुचि के अनुसार अड़ोस पड़ोस आपको नहीं मिल पाता, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण से स्वतंत्र और सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, ये भी एक घाटा होता है। तीसरा घाटा ये होता है किराए के मकान में रहने का, कि किराए के मकान में छोटा मोटा परिवर्तन करना या मरम्मत करना कठिन होता है, क्योंकि किराएदार का उस पर पूर्णतया अधिकार नहीं होता है अपने मकान पर, वो एक प्रकार से चेंजेस नहीं कर सकता है घर में। अगर उसको कोई अटपटा चीज़ लगता है घर में तो वो बदल नहीं सकता उसका, इसको ये भी घाटा। चौथा घाटा ये होता है किराए के मकान में रहने का, कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार प्रायः मकान सुविधाजनक नहीं होते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जैसे तैसे गुजारा करना होता है इसमें तो उसके लिए ठीक होता है। तो किराए के मकान में जैसे तैसे गुजारा होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पाँचवा इसका हानि ये होता है या घाटा होता है किराए के मकान में रहने का, कि अपने पसंद के स्थान पर कई बार मकान मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर मिल जाए तो उसका किराया जो होता है वो महंगा होता है और मुँह मांगा किराया आपको देना पड़ता है, तो ये भी एक घाटा। छठा घाटा इसका ये होता है किराए के मकान में रहने का, कि जनसंख्या बढ़ने पर शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मकानों का अभाव होने लगता है, और ऐसे में किराए बढ़ने लगते हैं तो आपको किराया ज़्यादा देने पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार मकान नहीं ले पाता है, ये भी एक घाटा। सातवां घाटा ये होता है कि किराए के मकान में अगर मालिक मकान के साथ रहना पड़े, मतलब कि मालिक मकान के साथ रहना पड़े तो पूरी स्वतंत्रता आपको नहीं होती है। कई बार बिजली पानी के बिल को लेकर के या अन्य छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं मकान मालिक और एक प्रकार से किराएदार के बीच में, ठीक है? कि भाई पानी कम चलाओ, मोटर कम चलाओ, लाइट कम चलाओ, बिजली का बिल, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो आती है। अगर बिजली का बिल और पानी का बिल उन्हीं में ऐड है तो ऐसी वो वही देखेंगे कि भाई पंखा कितने देर चला रहा है, लाइट कितने देर जला रहा है, ठीक है? मैं रहा हूँ यार 4 साल कानपुर में मैं रहा हूँ और यही होता था मेरे साथ, ठीक है? लेकिन हम लोग बहुत सस्ता भी रूम लेते थे, कहीं पर 1200 रुपये का रूम ले लिए खंजड़ में इधर उधर जा करके, तो ऐसे होता था। अगला है आपका, अगला घाटा ये होता है कि सफ़ेदी व टूट फूट की मरम्मत के लिए मकान मालिक पर आपको निर्भर होना पड़ता है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा चीज़ें उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई टूट फूट हो गई तो आप मकान मालिक से कहेंगे तो मकान मालिक पर आपको निर्भर होना पड़ेगा, ये भी घाटा। नौवां घाटा इसका यह है कि मकान मालिक प्रायः हर साल किराया बढ़ाते रहते हैं, या तो 3 साल के बाद किराए द्वारा कब्जे के डर से उसे मकान खाली करने को विवश करते हैं, परिणाम स्वरूप हर 2-3 साल बाद मकान आपको बदलना पड़ता है। क्योंकि जब आप लगातार 10-12 साल किसी के मकान में रह जाते हैं तो एक प्रकार से मकान मालिक को डर बना रहता है कि कहीं हमारा मकान कब्जा न कर ले, ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने को मिले हुए होंगे। तो इस डर से क्या होता है, जो मकान मालिक होते हो किराएदार को खाली करने के लिए 3 साल पर बोलते रहते हैं और मकान के किराया जो है लगातार बढ़ाते रहते हैं। दसवां घाटा ये है कि जब कभी सुविधानुसार कार्य के स्थान या बच्चों के स्कूल के निकट आपको मकान नहीं मिलता तो सवारी के लिए आपको अतिरिक्त खर्चा देना पड़ता है, मतलब कि जैसे
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको दूर रूम मिला है, तो आप स्कूल चूंकि वहीं पर है तो आप बच्चे को भेजने के लिए आपको 2 किलोमीटर के लिए किराया अलग से देना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो एक प्रकार से कई प्रकार के घाटे आपको किराए के मकान में रहने के होते हैं। तो किराए के मकान के लाभ हानि, अपने मकान के लाभ और हानि, आज के वीडियो के माध्यम से हमने उत्तम और आदर्श मकान के बारे में जाना, उसकी अवधारणा को समझा और उसके विभिन्न कार्यों के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो ये रहा होम साइंस का ज़बरदस्त लेक्चर, जिसमें हमने मकान से रिलेटेड उत्तम मकान या आदर्श मकान किसे कहते हैं, आदर्श मकान क्या होता है, और मकान की आवश्यकता मनुष्य को जो पड़ती है तो मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य का घर मतलब कि मनुष्य के लिए घर का क्या महत्व है, या एक उत्तम आवास किसे कहते हैं, घर और मकान में क्या अंतर होता है, अपना मकान और किराए का मकान में क्या अंतर होता है, अपने मकान के लाभ हानि, किराए के मकान के लाभ हानि, कई प्रकार की चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। तो होम साइंस का ये आप लोगों ने देखा, ये लिखित टाइप के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो, ठीक है। आप लोगों में ये प्रश्न ज़रूर आएगा, आपका लगभग 10 से 11 नंबर मतलब कि 10 से 15 नंबर आपका यहाँ से एकदम से पक्का हो गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।